हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जस्ट मैं ट्रिमिंग कर रहा था, तभी मेरे को एकदम से याद आया कि हम डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं और मैं ब्लॉग स्टार्ट करना भूल गया हूँ। तो ये वाला ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है। मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ। तो अभी बज रहे हैं 11 और ब्लॉग अभी जस्ट स्टार्ट करा है मैंने। तो कोई ना, आप लाइक सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना। तो चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी बज गए हैं 12:30 और इतना टाइम मेरे को इसलिए लग गया क्योंकि मैं एडिट कर रहा था एक म्यूज़िक ऑडियो, समझ लो, हाँ वीडियो नहीं ऑडियो, क्योंकि हमारे घर में ना एक शादी है और मतलब कज़न में। तो उसके लिए हमें ना एक डांस परफॉर्मेंस के लिए वीडियो चाहिए और मतलब ऑडियो चाहिए। तो वही मैं एडिट कर रहा था, ये काम मेरे को पकड़ा दिया गया। तो वही एडिट कर रहा था और अभी भी हुआ नहीं है। इसके चक्कर में मेरी वो व्लॉग जो है वो भी एडिट नहीं हो पाया है। तो यार मैं क्या करूं। और सबसे मेन काम जो है अपने पास वो ये है कि भाई यार मैं अपनी कॉपी का काम अभी तक नहीं कर पाया हूँ और वो 100 पेजेस का काम है, 100 पेजेस का। और इन भाई साहब ने मेरी कॉपी का एक कवर ही फाड़ दिया है। भाई बताइए कैसे ठीक होगा। ऐसा मैं कर दूंगा। अबे कब ठीक करेगा, कल लेके जानी है मेरे को। ठीक कब करेगा, पहले काम कर ले तब तो लेके जाएगा ना। अब तो भाई मान लेगी मैम, मैम को कहूँगा कि मैम आधा अधूरा काम है, लो मैम थोड़ा सा चेक कर दो। मैम कहेगी भाई ये कॉपी है क्या है, इसको अभी इसके ऊपर कवर लगा। इसने एक दिन गुस्से में मेरी कॉपी की ना टैक्स बजा दी। वो देखो उसका कवर वहाँ पे देखा पड़ा है। ये जो है ये। तो गाइस आज हमारे पास सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। एक तो है व्लॉग एडिट करना, नहाना और कॉपी वर्क करना। कॉपी वर्क मेरा 100 पेजेस का है। तो अगर मैं कॉपी वर्क करने लग गया तो भाई रात के 4-5 बज जाएंगे, मतलब सुबह हो जाएगी फिर तो। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि मेरा कॉपी का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिखने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो बहुत धीरे धीरे लिख पा रहा हूँ मैं, वो भी बहुत गंदी राइटिंग में। तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ नहा लूँ, उसके बाद ब्लॉग मैं 2 बजे आज अपलोड कर दूंगा, क्योंकि जो स्कूल वगैरह कोई गया होगा तो वो भी देख लेगा आके अपना। और यार कोई स्कूल जाता ही नहीं है, मतलब बहुत कम बच्चे जाते हैं स्कूल। 15-16 बच्चे जाते हैं 36-37 की स्ट्रेंथ में, और वो भी मतलब कभी कोई 16 आ गए तो आ गए, वरना बहुत ही कम आते हैं। तो इसलिए मन ही नहीं करता स्कूल जाने का। आज भी मैं नहीं गया और वेंसडे को भी नहीं गया था, ट्यूसडे को भी नहीं। अच्छा आज वेंसडे है तो ट्यूसडे को भी नहीं गया, वेंसडे को भी नहीं गया। अब कल जाऊंगा क्योंकि इसके बाद क्रिसमस वेकेशन पड़ जाएगी, मतलब विंटर वेकेशन। पहले क्या करते हैं, नहा ही लेते हैं। और मैंने मनोज भाई को बोल दिया चाय बनाने के लिए, तो नहा के आऊँगा, चाय पी लूँगा तो सही हो जाएगा। बहुत मतलब ठंड लगी है मेरे को, बहुत तगड़ी। पूरा ये जो नेक एरिया है और ये पूरा चेस्ट एरिया, मतलब ये अंदर से ना कफ की वजह से पेन कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब तो मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, 2 दिन से घर पर रेस्ट कर रहा हूँ। तो वरना तो मेरे को भाई बुखार हो जाता बहुत तगड़ा। भाई तू नहाया कि नहीं नहाया ये बता मेरे को सबसे पहले। कब नहाएगा आज। तो गाइस मैंने नहाने के लिए सिस्टम सेट किया है कि मैंने यहाँ पे हीटर ऑन करके छोड़ दिया है, वो भी फुल पावर मोड पे फुल, और यहाँ पे भी ये फुल हाई स्पीड। तो ये क्या है कि यहाँ से ये हवा आएगी गरम और पूरे रूम को गरम कर देगी। और जैसे ही मैं नहा के गेट के अंदर घुसूंगा, मतलब वॉशरूम से आऊँगा अंदर घर गेट के रूम में, मतलब अच्छा तो गरम हवा पेड़ को मतलब ठंड नहीं लगने देगी। अच्छा है ना, दिमागदार वाला काम। ऐसा नहीं होता है, ठंडे पे ठंडा कोई कैसी भी हवा लगती है, ठंडी लगती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, गरम आऊंगा इसके सामने बस एकदम फैल जाऊंगा। इधर खड़े होके देख ले, अभी भी ठंड लग रही है। तो वो दूर जाके ठंडी होगी ना भाई, यहाँ खड़े होके देख इसके अंदर अभी भी ये देखो रेड हो रहा है। हाँ दिख रहा है। सो गाइस नहा लिया और अब थोड़ी आदत हो गई है, मतलब ठंड एकदम से बढ़ी थी ना तो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब तो इतने ठंड में नहाने की आदत हो गई। दोपहर भी हो गई है, वैसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब सुबह तो ठंड ओवरऑल बहुत ज़्यादा रहती है। गाइस बाल भी सेट हो गए अपने और मैं अपनी चाय भी ले आया बाहर से, इसको पी लेते हैं फटाफट गरम ही, और अपने काम पे लग जाते हैं। कॉपी वर्क जितना कंप्लीट हो सकता है पहले वो कर लेता हूँ, उसके बाद ही एडिटिंग में लगूँगा, वरना फिर फंस जाता हूँ मैं ऐसे ही आजकल कल परसों अभी तभी करते। तो गाइज हेयर वी हैव पनीर नान एंड मटर मखाने, ये अपना लंच है। बहुत ज़्यादा हैवी है, एक ही नफ़ है, फटाफट खा लेता हूँ। अभी गर्म ही है, जस्ट मम्मी मार्केट से आई हैं, लेते हुए आई हैं, तो इसे मैं खा के मिलता हूँ आपसे। और काम भी साथ चल ही रहा है, बहुत टाइम लग रहा है लिखने में। तो कुछ काम है तो इसलिए मैं बाहर निकल के आया हूँ और अभी वो राइटिंग वर्क अपना छोड़ दिया है। मैं मिंटू भाई को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है। तो अभी कुछ लाना है सामान और एक चीज़ और पता करनी है, तो उसके लिए मैं बाहर निकला हूँ अभी। तो मैंने कहा चलो यार आप लोगों को भी ले चलता हूँ, बोर हो रहे हो 2 दिन से, कहीं आ जा नहीं रहा हूँ मैं। और यहाँ पे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पे जतन है, गोलू वीडियो देख रहे हो मेरी पक्का। तो वह तो घूमने निकल लिया है, तो इतने मेरे को भी इनके साथ गेम खेलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं आ रहे हैं 10 मिनट में आएंगे, वो कहीं चले गए होंगे घूमने, तो इनका आने का इंतजार करते हैं, गेम खेलते हैं इतने। तो ना कॉफ़ी बनाते ये कॉफ़ी मेरे पैंट पे ही गिर गई थी, जीन्स पे, और ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है बाहर रोशनी में, तो मेरे को चेंज करने आना पड़ा। अब ये वाली जीन्स पहनूंगा। टाइम बाद पसीना आया है, मतलब थोड़ा सा खेल कर, और बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद गेम खेला। अभी तक पता नहीं मिनट में आया ही नहीं, 15 मिनट हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। कह रहे आ रहे पीछे ही हैं कहाँ, ये बताओ पहले। मैं उधर बाहर गया था। कहाँ बाहर गए थे? 15-20 मिनट हो गए मेरे को इंतजार करते हुए। अभी हम जा रहे हैं अपना स्टिकर बनवाने रतन सिंह ब्लॉग्स का, जो कि हम कार के एक बैक विंडो पे लगवाएंगे। तो अभी सिर्फ कार में मैं और मिंटू भैया हैं, जतन वगैरह कोई नहीं है। तो अभी ढूंढ रहे हैं हम, हमें भी नहीं पता कहाँ है वो। तो अभी हम मार्केट साइड आए हैं, एक सेकेंड में दिखाता हूँ। ऐसे अभी हम यही मार्केट में ढूंढ रहे हैं कि उसकी शॉप कहाँ होगी जो कि हमारा कस्टम स्टिकर प्रिंट करके देगा, जो कि कार वगैरह के जो पीछे होता है चिपका लेते हैं यूट्यूबर्स, उस टाइप का। मिल नहीं रही है। आ गए हम लोग मोड़ पे, अंदर चलते हैं। सुथौल, वो पता नहीं कहाँ होगा सुथौल जेल। गाइस यहाँ पे सुथौल जेल, अब हमें दूसरे मोड़ में जाना पड़ेगा। पता नहीं कहीं भी नहीं मिल रहा, ना केमिस्ट के हैं ना कहीं है, मतलब मोड़ पे भी नहीं। अब 1-2 जगह और चेक करते हैं, वरना ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। यहाँ पे मोड़ भी है और आगे चल के वहाँ पे इजी डे भी है। यहाँ पे लेकिन पार्किंग की कमी है, रोड पे लगानी पड़ रही गाड़ी। मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ, देखता हूँ मिलता है कि नहीं। वहाँ पे भी नहीं मिला, अब हम जाएंगे इजी डे। इजी डे थोड़ा सा यहीं पे वॉक करेंगे, आगे चल के आ जाएगा, वहाँ चेक करते हैं। वहाँ मिल जाए, 2 दुकानें तो मैंने देख ली, यहाँ मिल जाए क्या पता। ये रहा इजी डे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ भी नहीं मिल रहा, क्या करें अब। किसी केमिस्ट के शॉप पे ही 1-2 बार और चेकआउट करना पड़ेगा। वो गर्मी का प्रोडक्ट है ना, इसलिए शायद नहीं मिल रहा है, समर्स में ज़्यादा बिकता है वो। तो सुंदर की पूरी मार्केट चेकआउट कर ली, नहीं मिल रहा यहाँ पे। अब यार कहीं और जाके देखते हैं, मिल जाए काश वहाँ पे। जिनको नहीं पता सुथौल जेल के बारे में, सुथौल जेल ना एक एंटीसेप्टिक है जो कि मतलब इचिंग को ना थोड़ा सा प्रिवेंट करता है, क्योंकि आजकल ठंड में गर्म पानी से ना होना, तो आपने अगर नोटिस किया हो तो इचिंग थोड़ी सी हो जाती है, स्किन ड्राई होती है, तो वो काफ़ी मतलब अच्छा रहता है, इसलिए ढूंढ रहे हैं। और वो शायद ना प्रोडक्ट समर्स में ज़्यादा सेल होती है, इसलिए किसी के पास नहीं है, ना अमेजोन पे है, ना फ्लिपकार्ट पे, ना किसी उस पे है। 3 मोर हैं वसुंधरा में, 3-4, उन सब पे पता कर लिया मैंने, इजी डे में भी पता कर लिया। और ये अभी मिंटू भाई को मैंने भेजा एक पास वाले केमिस्ट पे, वहाँ वो पूछ रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे अपना वो स्टिकर के बारे में पता करने कि कितना उसका प्राइस है, क्योंकि हम बनवाएंगे 4-5, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे। मिंटू भाई आ रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा कि उनको मिला है। जिस एटलांटा हॉस्पिटल तक मैं पता कर लिया, और उस 55 रुपए की चीज़ के लिए कहाँ कहाँ घूम लिए, लेकिन कहीं नहीं मिला। और ये अपने घर के पास ही एक मार्केट है, यहाँ पे एक कार डेकोर वगैरह टाइप शॉप है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मिंटू भाई जस्ट पूछने गए हैं कि यहाँ वो स्टिकर बना देंगे हमारा या नहीं। क्या कह रहे हैं वो वहाँ है वैशाली सेक्टर 4 जाना पड़ेगा हमें। चलो किसी दिन चलते हैं वैशाली सेक्टर 4। गाइज आज का हंट यहीं ख़त्म हो रहा है, हम जा रहे हैं अब एक स्टिंग की बॉटल लेने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया इतना इधर उधर तो जाके उस थॉल के चक्कर में। अब देखते हैं, कहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इनका स्टॉक है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर समर्स में ही बिकता है। और मम्मी ने हमें घर पर भी बुला लिया है क्योंकि मिंटू भाई को कहीं जाना है। तो अब हम जा रहे हैं, यहीं से उस शॉप पर होंगे, फिर शॉप से घर चले जाएंगे। तो अभी तक जो ब्लॉग देख रहा है वो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना ब्लॉग को। जल्दी से जल्दी हमें 1K सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 10 बज गए और अभी भी मैं अपना कॉपी वर्क ही कर रहा हूँ। कितनी रद्दी राइटिंग में लिख रहा हूँ, अब क्या कहूँ यार। ये टर्म 1 का काम है, टर्म 1 तो यार हो भी गया, बोर्ड्स इसका तो कोई काम है नहीं। लेकिन टीचर कह रही है कि यार अब देना पड़ेगा कॉपी का काम, नंबर लगाने इंटरनल वगैरह के। अब क्या करूँ मैं, देना पड़ेगा, तो वही करूँगा। और मतलब कैसे पॉसिबल है यार, इतना सारे एक दिन में लिखना, इतनी रद्दी राइटिंग में लिख रहा हूँ तब भी नहीं लिखवा रहा हूँ, अब क्या करूँ मैं। तो गाइज करते हैं व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको आज वाले व्लॉग में मज़ा आया होगा। जल्दी से जल्दी यार 1K सब्सक्राइबर्स कराओ, और आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर ही रहा हूँ। 1K डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और हर रोज़ व्लॉग आ भी रहा है, भले ही लेट, लेकिन स्किप तो नहीं कर रहा हूँ मैं, तो रोज़ आ रहे हैं। तो लाइक कर देना, कॉमेंट करके बताना कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट्स मैं कर सकता हूँ। तो ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और यार जतन अपनी हमारी कॉपी बना रहा है, इसके ऊपर कवर पेज लगा रहा है। ये कवर कॉपी का हटाना, क्योंकि इसमें कवर फाड़ दिया था गुस्से में, भाई जल्दी लगा, मैंने अपनी कॉपी से कवर हटाना। तो गाइस करते हैं ब्लॉग को ख़त्म, मिलेंगे कल।